your role. Okay, see Sharjah season 2, you know, aa raha hai. Kya kuch naya hai, kya kuch exciting hai, thoda bahut bataiye pehle. Pehli baat naye log hain, hum 3 log naye hain, baaki 2 pehle se ja chuke hain. Sharjah pehle ja chuke hain, but it's the first time for me and I'm very excited. Plus fitness retreat hai and काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है एंड आई कांट वेट टू गो देयर एंड एक्सपीरियंस ऑल ऑफ इट. सो या ओके, देयर आर सो मेनी थिंग्स. सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस चीज के लिए? सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं शॉपिंग के लिए हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड आई एम श्योर सबने यही आंसर दिया होगा क्योंकि वी आर ऑल गर्ल्स राइट एंड वी लव शॉपिंग. सो मैं खाली बैग लेके जाने वाली हूँ जो मैं भर के वापस लेके आऊंगी. ओके, यू नो आल्सो इट्स ऑल अबाउट फिटनेस. फिटनेस के लिए क्या किन चीजों का ध्यान रखते हैं, कुछ फिटनेस टिप देना चाहिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ फिटनेस फ्रीक. मैं जिम नहीं जाती हूँ, बट आई एम अ प्रोफेशनल डांसर, बैले वैले करती हूँ, तो मेरा फिटनेस इज़ अ लिटिल डिफरेंट. एंड फिट्स अप का फिटनेस का आइडिया इज़ ऑल्सो सिमिलर टू वॉट माई आइडिया इज़. एंड टिप्स मुझे मेरे ट्रेनर देंगे वहाँ पर जाके. मैं कुछ नहीं बोलूँगी बिकॉज अगर मैं कुछ गलत बोल दूँगी तो इट्स नॉट गुड राइट. एंड आई लर्न अ लॉट फॉर श्योर एंड आई थिंक वापस आके आई बिकम अ फिटनेस फ्रीक. थैंक यू सो मच. एंड ये लुक मैंने ज़्यादा सोचा नहीं इसके बारे में. ऑनेस्टली आई जस्ट वेंट एंड आई ओपन्ड माई कबर्ड एंड आई एम लाइक व्हाट डू आई वेयर. आई पिक अप, आई हैड दिस ड्रेस, पिंक ड्रेस, आई लव पिंक, सो आई पुट इट आउट एंड आई एम लाइक आई विल वेयर इट. माई मदर सेड वेयर दिस बिकॉज यू लुक प्रिटी इन दिस एंड ब्लैक हील्स राइट देयर. एंड आई सेंड अ पिक्चर टू माई बॉयफ्रेंड, इज लाइक यू लुक गुड, प्लीज वेयर दिस. ओके, एवरीबडी इन जनरल सेज आई लव ट्रैवलिंग. पर्सनली आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग एट ऑल. मेरे को एक जगह पे रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स. आई हेट ट्रैवलिंग, बट इसे वंस इन अ वाइल इट्स फाइन राइट. एंड इट्स एंड व्हेन यू आर गोइंग देयर नॉट जस्ट टू रिलैक्स, यू गोइंग देयर फॉर फिटनेस, यू गोइंग देयर टू एक्सप्लोर द सिटी एंड ओनली वन सिटी. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन. बट अगर हर रोज़ करना पड़े तो आई एम नॉट अ ट्रैवलर, आई कॉन्ट ट्रैवल. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है, मैं बोल देती हूँ अच्छा मैं यहाँ गई हूँ, मैं वहाँ गई हूँ, बट मुंबई इज़ माई फेवरेट प्लेस. लाइक मैं अगर कहीं बाहर जाती हूँ, आई रियली कॉन्ट, वन डे आई कॉन्ट वेट टू कम बैक होम टू माई मॉम एंड माई डॉग एंड माई सिस्टर एंड माई बॉयफ्रेंड ऑफकोर्स. सो मुंबई इज़ द बेस्ट, आई लव मुंबई. माई फेवरेट मूव वुड बी अ फुल स्प्लिट, क्योंकि अगर मैं लाइक आई डन डी आई डी ऑल्सो एंड उसके ऑडिशन में मेरी बॉडी की हालत ख़राब हुई थी, आई वॉज ऑल सोर एंड द ओनली थिंग दैट सेव्ड मी वॉज माई फ्लेक्सीबिलिटी. तो मैं हर जगह जाके स्प्लिट कर दे रही थी एंड दे वर लाइक ओह नाइस डांसिंग एंड आई वॉज लाइक ओके बच गई. सो या फुल स्प्लिट इज़ माई गो टू मूव. ऑफकोर्स बिकॉज योगा क्लासेस भी होनी है एंड योगा इज अ लॉट अबाउट कामनेस विच आई एम नॉट. आई एम अ वेरी हाइपर एक्टिव पर्सन, बट देर इज़ फ्लेक्सीबिलिटी दैट काउंट्स एंड आई हैव दैट, थैंक गॉड. एटलीस्ट कुछ तो मुझे बचाएगा. एंड देर इज दिस बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे कॉन्सेप्ट दैट दे हैव कि रोज जो सबसे एंथुजियास्टिक होएगा फिटनेस के लिए एंड वर्कआउट के लिए उसको बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे लेंगे. जिस भी दिन योगा होने वाला है आई एम श्योर आई एम गोना गेट दिस. कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी तक मैंने साइन नहीं किया बिकॉज मुझे 2 ही दिन हुए हैं अभी रोडीज़ के शूट से वापस आते हुए. आई एम श्योर देयर समथिंग कमिंग अप सुपर सून, सो आई लेट यू नो. थैंक यू. नच बलिए में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ और रोहन को डांस का डीपी नहीं आता है, बट अगर ऑफर आएगा तो वाई नॉट, बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस शो. और मैं जब मतलब मैं बचपन से देखती आ रही हूँ और मैंने सोचा था मैं वहाँ पे एक कोरियोग्राफर की तरह जाऊँगी, बट इवन झलक दिखला जाओ फॉर लाइक अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे को ऑफर भी आया था वहाँ से एक बार कि यू नो वुड यू लाइक टू ऑडिशन फॉर अ कोरियोग्राफर एंड आई सेड नो बिकॉज इफ़ आई वॉन्ट टू गो एज अ सेलिब्रिटी. एंड अगर मुझे ऑफर आता है नच बलिए का, रोहन को मैं किसी तरह भी करके एक दिन में ही भले मैं उसकी हालत ख़राब करके उसको डांस सिखा दूँगी, लेकिन सिखा दूँगी. हाँ मतलब ऐसे ऑफर आएगा देन वील थिंक अबाउट इट ऑफकोर्स. ऐसे ही नहीं कि हाँ कर लेंगे या नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, वील हैव अ चैट एंड देन वील सी. थैंक यू. सीजन 2 क्या कुछ एक्साइटिंग, क्या कुछ नया लेकर आ रहा है?
मेरा तो फर्स्ट टाइम है तो मुझे ये नहीं पता क्या नया ला रहा है, बट इट इज़ साउंडिंग वेरी एक्साइटिंग एंड बिकॉज इट इज़ ट्रैवल अलॉन्ग विद फिटनेस, सो यू नो इट इट्स आई थिंक इट्स द बेस्ट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर एनी एक्टर, तो मज़ा आने वाला है. वील एक्सप्लोर एज वेल एज वर्क ऑन आर बॉडीज, सो गुड कॉम्बिनेशन. जो साथ में जा रहे हैं उनमें से एक्चुअली आई डोंट नो एनी ऑफ देम पर्सनली, तो अभी तो नहीं पता, बट लेट्स सी जब ट्रिप शुरू होता है तो किसके साथ कैसी बॉन्डिंग होती है, दैट विल टेल. ओके, यू नो और इसके अलावा फिट्स इट्स ऑल अबाउट फिटनेस, तो आप अपनी फिटनेस पर कितना ध्यान रखती हैं? I am a little careless when it comes to fitness because I don't work out at all. But I think the only kind of workout that I do, jisko main consider karti hu workout, is dancing. And I do a lot of bhangra and you know other forms of dancing also. So that has kind of worked out as a workout for me. But main gym nahi karti hu. Maine yoga bhi bahut socha hai but kabhi actually execute nahi kiya hai. But that is also one of the reasons I'm here on this trip, because you know you never know, this could be a start of my fitness journey. Okay, basically bahut sari alag alag activities hone wali hai is trip par, to sabse zyada exciting kya lag raha hai? बहुत मेरे लिए तो ट्रैवलिंग और एक्सप्लोरिंग सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है. मैं सिर्फ वो एक जो एक डेढ़ घंटा फिटनेस का है उसके लिए थोड़ा सा वरिड हूँ, बट या यू नेवर नो जब एक, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ रेगुलर काइंड ऑफ वर्कआउट, वो बीच वर्कआउट होगा और समटाइम्स इन द पूल में भी, सो वर्कआउट भी इंटरेस्टिंग हो तो शायद पसंद आ जाए और मज़ा आए वो भी करने में. ट्रैवलिंग तो बहुत पसंद है एंड you know that is one country I've never been to, तो ये भी exciting है कि आप एक नई country को explore कर रहे हो, इस तरह से मज़ा आने वाला है. फेवरेट प्लेस आई डोंट हैव एनी पर्टिक्यूलर, वेन एवर समन आस्क्स मी ना आई गो ब्लैंक, बिकॉज कुछ भी ऐसे पर्टिक्यूलर नहीं है कि ये एक जगह मुझे पैरिस जाना है. नो आई थिंक आई एम ऑल अबाउट, यू नो आई एम इवन इंट्रीग्ड एंड एक्साइटेड अबाउट प्लेसेस इन इंडिया इटसेल्फ जो कि बहुत सुंदर हैं और अनएक्सप्लोर्ड हैं, एंड मेरे लिए ऐसे कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है. जी फिलहाल तो कुछ नहीं है, मीन्स आई एम ओनली इन टॉक्स फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड आई ओनली होप एंड यू नो hope to take up something which is different from what I've done before and exciting for me as an actor too. Okay, summer bhi aa chuka hai, to kya kuch summer mein khaas khayal rakhti hai? मैं ये ख्याल रख रही हूँ, वो भी मैं बहुत कॉन्शियसली रखती हूँ, टू कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड, हैव लॉट्स ऑफ वाटर, हैव फ्रूट्स विच हैव वाटर कॉन्टेंट विच इज़ योर वाटर मेलन एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स, एंड सनस्क्रीन लगाती हूँ और ज़्यादा तो इतना ही ध्यान रखती हूँ अपना. थैंक यू, वेलकम.